हमारी नेक्स्ट ट्रिक है डिफ्रेंसिएशन की, जिसमें हम इस तरह के प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितना वक्त लगता है। So, ये हमारा आंसर। वैसे अगर क्वेश्चन रूल से करने जाए तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो कैसे देखिए, जब भी हमें डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो इस तरह के प्रॉब्लम्स का, यानी जिसमें a इंटू सम फंक्शन f ऑफ x प्लस b अपॉन c इंटू सेम फंक्शन f ऑफ x प्लस d, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। सो इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आता है इस a b c d का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सबसे पहले, जो कि हमारे पास होता है ए डी माइनस बी सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, जो कि होता है एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में क्वेश्चन रूल की तरह ये जो डिनोमिनेटर था होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि होता है सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डी इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। एकदम इजी है। सो पहले का जो हमारा प्रॉब्लम था वो देख लेते हैं। उसमें था डी अपॉन यानी कि डी बाई डी एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फोर log x plus it was something let x 7 upon minus 7 log x plus 10। ये हमारा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी कि 4 into 10 आई थिंक यहाँ पे 8 था 8 हाँ, सो 4 into 10 दैट इज 40 माइनस माइनस 7 इंटू 8 दैट इज माइनस 56 माइनस माइनस प्लस, सो 40 प्लस 56 ये हो जाता है 96 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है लॉग एक्स, यहाँ पे फंक्शन है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वो होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, ये हो गया अपॉन में इस टोटल डिनोमिनेटर का होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज माइनस 7 log x plus 10 इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया कंप्लीट आंसर। ऐसे और सम ले लेते, अभी है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 अपॉन अगेन 4 साइन एक्स प्लस 5। सो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इन चारों का डिटरमिनेंट पहले, सो 2 इंटू 5 दैट इज 10 एंड 4 इंटू 3 दैट इज 12, सो 10 माइनस 12 विल बी माइनस 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स साइन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ये हो जाता है कॉस एक्स अपॉन इस टोटल का स्क्वायर 4 साइन एक्स प्लस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर।